तो यहाँ से जब भी आप ड्रॉप करते हो तो उस टाइम आप यहाँ पे कर देना है फिनिश द राइड। और ये यहाँ से आपने सबसे पहले कॉल पे एक बार कंफर्म कर लेना है। तभी कहते हैं कि पैसे कमाओ और चाट खाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो शाम को 4:44 पे हो रही है और यहाँ पे मैंने जो है आज इन ड्राइव ऐप ओपन कर लिया है। ये देखो आप, इन ड्राइव आईडी जो है मेरी ओपन हो चुकी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम इन ड्राइव पे पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक का काम कैसे कर सकते हैं। कि हम पैसेंजर को जब भी उठाते हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी अपनी इन ड्राइव ओपन करते हो तो आप हमेशा अपना पहले बॉलेट चेक कर लो कि आपके बॉलेट में कितना बैलेंस है। तो मेरे बॉलेट में अभी 92 रुपीज़ पेंड बचा हुआ है, क्योंकि आपको तभी राइड शो होनी शुरू होगी अगर आपके बॉलेट में कैश बचा होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ माई इनकम। आज मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ है, ये देखो 28 तारीख का काम किया हुआ है 35 का। तो आज करते हैं राइड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके सामने जो है राइडें, काफ़ी ज़्यादा राइडें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो आपके नियर बाय की होगी आप उसी को एक्सेप्ट करना और किसी को उठाने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे ऑफर फेयरिंग चलती है, जैसे ये 500 मीटर से 43 सेक्टर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, मैं अगर 72 करता हूँ तो यहाँ देखना आप, देखा कैंसिल कर दी, मतलब ये 55 में ही जाना चाहता है। तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई राइड मेरे को पड़ती है जिसमें मैं जिसे उठा के मैं जा सकूँ, तो मैं आपको पूरी की पूरी राइड कंप्लीट करवाने वाला हूँ पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को विजिट करना। ये देखो यहाँ पे मुझे एक राइड पड़ी हुई है, मैं इसे 72 के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 9 किलोमीटर की राइड है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको दिखाते हैं कि पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक का प्रोसीजर। और ये देखो इसमें ऑफर फेयरिंग की ऑप्शन आती है, ये मेरे से कम में से भाई ले गया कोई बंदा ना, ऐसा भी हो जाता है। मतलब इसमें ऑफर फेयरिंग चलती है, कोई और बंदा अगर मेरे से कम रेट दे दे तो वो उसे राइड पड़ जाती है। तो गाइस मुझे काफ़ी देर खड़े होने के बाद यहाँ पे कोई भी राइड नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। तो मैं फिर यहाँ से निकल गया नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे कोई राइड पड़ जाए। तो गाइस एक ये वाली राइड पड़ रही है, तो मैं अभी ब्लॉग जो है वो भी कम्प्लीट करना है, इसलिए मैं 20 की ऑफर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये प्रियंका जो है वो 20 में उठाती है। इसमें भी ऑफर फेयरिंग चल रही है गाइस, आप खुद देख सकते हो। तो और मेरे को 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा इसके बाद पहले, तो देखते हैं। तो गाइस आपने देख लिया, ये नहीं उठाई इसने 20 रुपये में। गाइस मैंने ये वाली जो है राइड, ये वाली राइड पड़ी है, मैंने 20 रुपये की ऑफर जो है एक्सेप्ट कर ली है इन्होंने। तो अब मैं इनको पहले ना, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये यहाँ से आपको नेविगेशन में खुलेगा, पर सबसे पहले जैसे ही राइड होती है उठती है तब आप पहले कॉल करो, ठीक है, पहले कस्टमर को कॉल करो। एक बार मैं कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, इन्होंने जाना कहाँ है। हेलो 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 हेलो। तो मुझे फाइनली कस्टमर की कॉल जो है आ गई है वापस। हेलो, हाँ जी मैम, आपने राइड बुक करी है, आपने जाना है ना वैसे। ठीक है मैम, मैं आपके पास ना 2-3 मिनट में पहुंच गया। ठीक है जी, ठीक है मैम, ओके। तो गाइस अब ये जो है आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ से आपने सबसे पहले कॉल पे एक बार कंफर्म कर लेना है ताकि आपका टाइम जो है ख़राब ना हो। नेविगेशन आपने ऑन करना है और सीधा ये मैप के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हो। और इसके बाद जैसे ही मैप ओपन होता है फिर हम निकलते हैं लोकेशन पे। तो ये देखो यहाँ से जो है ये रास्ता बता रहा है टोटल 1 किलोमीटर का, मतलब मेरे को ये यू टर्न के लिए हो रहा है, मतलब 4 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो चलते हैं लोकेशन पे। तो गाइस मैंने फ़ोन यहाँ पे रख दिया था और मैं अभी जो हूँ रास्ते में जा ही रहा हूँ, तो पहुँचते हैं जल्दी से लोकेशन पे। गाइस जब भी आप लोकेशन पे पहुँच जाते हो तो पहले ये वाली जो चीज़ है ना, आई एम हेयर, ये ज़रूर कर लें। इसे करते ही उसके बाद आपने जो है ये यहाँ पे आपका जो है वेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा। तो अब करते हैं फिर से कस्टमर को कॉल करनी है कि मैं आपकी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। इसके बाद जो है स्टार्ट राइड कर देनी है यहाँ से और फिर से हमें जो है नेविगेशन देखना शुरू हो जाएगा। तो अब निकलते हैं, गाइड स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो गाइस फाइनली मैंने जो है इनको ड्रॉप कर दिया, ये मैम ने बुक करी थी। और ये देखो आप, मेरे को पेमेंट वगैरह भी आ चुकी है अभी मेरे सीधे अकाउंट में,
20 रुपीस जो है मैंने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। तो ये देखो, यहाँ से जब भी आप ड्रॉप करते हो तो उस टाइम आपने यहाँ पे कर देना है फिनिश द राइड और यस करके यहाँ पे आपसे शायद ये स्टार मांगेगा। तो मैं ज़्यादातर लोगों को 5 स्टार ही देता हूँ, कम रेटिंग नहीं देता। तो अब चेक करते हैं अपने पे वॉलेट में। तो गाइस, मेरे से जो है मतलब 1.5-2 किलोमीटर के कंपनी ने 2 रुपये जो है चार्ज लिया है। 2 रुपये मतलब 2.5 रुपये कंपनी ने मेरे से चार्ज लिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, मेरे को 20 रुपये इसकी राइड पड़ी थी। ये देखो, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। 0.85 पैसे और 1 रुपये मतलब एक टोटल 2 रुपये हो गए। तो 2 रुपये जो है कंपनी ने मेरे से चार्ज ले लिया। तो आई होप आपको आज का जो है पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक का इन ड्राइव ऐप को कैसे सीखें, कैसे चलाएं, वो पता चल गया होगा। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। और ये देखो, यहाँ पे ढेर सारी जो हैं राइडें आ रही हैं। तो बस मैंने आपको यही बताना था कि आप पिक करने से लेके ड्रॉप करने तक कैसे आप कर सकते हो और कैसे, और अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मैं उसके रिकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, फिलहाल चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। मैं अपनी आईडी कर रहा हूँ बंद, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए आज आईडी ओपन करी थी। आज मेरा कोई भी मन नहीं है काम करने के लिए, रैपिड हो जाए इन ड्राइव पे। तो ये रही आईडी, मैंने अभी बंद कर दी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, मैं अब जो हूँ निकल चुका हूँ अपने रूम की तरफ। इससे पहले मैंने सोचा कि चाट वगैरह जो है खा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे चाट मिल चुकी है। जब तक मैं चाट खाता हूँ तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी कहते हैं कि पैसे कमाओ और चाट खाओ।